हाय एवरीवन, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो हमने यहाँ पर एक चिमनी किचन की जो होती है यहाँ पर खोल कर लेकर आया और इसे खोल दिया है। देखिए इसे खोलना बहुत ही आसान है। अगर आपको खोलना नहीं आता है तो बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए इसके अंदर की पोजिशन कुछ इस तरीके से हो गई है, जो कि हमारा तेल यहाँ पर छिपा होकर बहुत ही बेकार हो चुकी है। तो मैंने इसे खोल लिया है, इसके लैंप भी यहाँ से निकाल लिए, आपको भी इसी तरह से निकालना है, आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर इसका ब्लोअर और ये ब्लोअर का अंदर का एक्सटर्नल पार्ट, ये इसका ऊपर का कवर और यहाँ के नीचे के इसके दो फिल्टर, तो इस फिल्टर को आपने अच्छी तरीके से खोल लेना है। और देखिए इसके ऊपर यहाँ पर कितना तेल मेल्ट हो चुका है इसके कवर के ऊपर, इसका जो एग्जॉस्ट है इसके ऊपर, और ये देखिए इसकी बॉडी फ्रंट की जहाँ पर हमारे बटन वगैरह स्विच होते हैं। तो देखिए इसके साथ यहाँ पर तो लैंप भी होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से खोलना है। देखिए पूरे पार्टों को यहाँ पर मैंने खोल के रखा है और मार्केट में एक 60 रुपीज़, 50 से 60 रुपीज़ के बीच में एक पाउडर आता है, वो पाउडर नहीं तो आप एक केमिकल भी ले सकते हो, वो आपने इस तरीके से खोलकर गर्म पानी के साथ इसके ऊपर डाल देना है और 1 से 1.5 घंटे के लिए, अपने 2 घंटे तक की भी आप रख सकते हो इसे। जितना ज़्यादा इसमें मेल जमा हो सका हो तेल का, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है और रखने के बाद में इसे अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो चलिए हमने इसे 2 घंटे के रख दिया, 2 घंटे के बाद में मिलते हैं। तो देखिए 2 घंटे के बाद में हमने इसे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर धो लिया है गर्म पानी की मदद से। इसकी देखो मोटर देखिए, इसकी वायरिंग देखिए, यहाँ पर इसका कंट्रोलर, और ये देखिए इसका ब्लोअर का जो बॉडी है, इसके जो यहाँ पर फिल्टर है, देखिए सभी पार्टों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लीन कर लिया है और क्लीन करके सफ़ा कर लिया है। उस पाउडर को आपने डालने के बाद में इसे गर्म पानी से धो लेना है और हाथ में ग्लोव्स पकड़ लेना है और ग्लोव्स की मदद से यहाँ पर ब्रश से जो भी आपसे बन सके उसकी मदद से यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्लीन कर लेना है, यानी कि सभी पार्टों को हमने क्लीन कर लिया है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर लिया है हमने, फिक्स करके कस्टमर के घर पर लेकर आए हैं। अभी यहाँ पर इसका जो कांच होता है ऊपर का कवर होता है और नीचे का जो इसका होता है, सभी पार्टों को एक बार अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, कांच को धो लेंगे, इसके कवर को अच्छे से धो लेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसके देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से वायरिंग हमने करके इसके अंदर रख दिए, ये अभी ओके कंडीशन में, इसे सिर्फ अभी दीवार पर माउंट करना है। उससे पहले हम कांच को क्लीन कर लेते हैं, इसके जो ऊपर का जो कांच होता है देखिए यह 4 स्क्रू में यहाँ पर फंसा होता है, जिसको कि हमने पहले ही निकाल लिया है, तो चलिए ये देखिए इसकी बची जो वायरिंग है, ये वायरिंग है जिसमें हम न्यूट्रल फेस देने के बाद में ये चिमनी यहाँ पर रन करने लगेंगी। तो अभी इसके कांच को हम धो लेते हैं, एक मेरा जो दोस्त है वो कांच को और इसके जो ऊपर का कवर होता है पत्रे का उसे वो धो रहा है। चलिए धोने के बाद में आपको मैं इसे यहाँ पर लगा कर बता देता हूँ किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करके हमें फीडबैक देना। देखिए इन 4 स्क्रू में वो कांच फिट होने वाला है। तो चलिए कि कांच को यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए कांच को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है, अभी इसको मैंने स्क्रू में फिट नहीं कराया, ये रबर इसके नीचे लगते हैं कांच के नीचे, ताकि हमारा जो मोटर चलता है तो यहाँ पर ये वाइब्रेट ना हो सके। ये देखिए इसमें इसके स्क्रू आते हैं ऊपर के और 2 10-11 के नट आते हैं, नट बोल्ट। तो ये जो स्क्रू है ये रबर कांच के नीचे लगेगा और ऊपर से कांच के ऊपर से स्क्रू लगेंगे, ये वाले स्क्रू देख रहे हैं आप, ये इसका ऊपर का कवर है। देखिए इतने अच्छे तरीके से अपने इसे क्लीन करना है जैसे कि हमने करा है, आपने अपना 100% देकर काम को अच्छे तरीके से करना है, जिसका भी काम है बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और सावधानीपूर्वक करना है, क्योंकि ये हाथ को लग सकता है, कट सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका कांच इंस्टॉल कर दिया है, इसके रबर भी नीचे से इंस्टॉल कर दिए और ये इसका देखिए यहाँ पर इसका फिल्टर है जो कि हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लीन करके रखा है, जैसे कि चमक रहा है। तो चलिए फिल्टर को हमने सब यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद में ऊपर किया और 2 10-11 के नट बोल्ट में इसे लगा देना है। तो मैंने इसे लगा दिया है, अब ये देखिए इसके फिल्टर के लॉक यहाँ पर टूट चुके हैं। तो अपने यहाँ पर लॉक टूटने के बाद में तुम बड़ी आसानी से मिलने वाले नहीं हो आपको, यानी कि मिलते ही नहीं हो। तो चलिए मेरा दोस्त यहाँ पर देखिए फिल्टर को यहाँ पर ज्वाइंट कर रहा है, यानी कि 2-4 पार्टों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फिक्स कर लिया है और देखिए यहाँ पर इसे लगा लिया है, आप कपड़े की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे ऊपर से जितना भी है। और यहाँ पर इसके जो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना फ्रेंड्स, और यहाँ पर इसके जितने भी पार्ट है सबको जोड़ के यहाँ पर देखिए हमने इसमें सप्लाई दे दी है और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।